8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के संसद में एक बॉम्ब फेंका गया था जिसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह शामिल थे। बॉम्ब का धमाका इतना जोरदार कि लोगों के कान फटने को आए थे, पर उसमें एक भी केमिकल ऐसा नहीं मिलाया गया था जिससे लोगों की जान जाए। ये जानबूझ के डेलिब्रेटली ऐसा किया गया था। आगे चल के इसी सिलसिले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त की ज़िंदगी वहीं रुकती नहीं है, उन्हें काला पानी की सज़ा मिल जाती है। बटुकेश्वर को जब काला पानी की सज़ा होती है तो वो बहुत मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि उन्होंने बम फेंका था भगत सिंह के साथ और उन्हें भी फांसी होगी, लेकिन उन्हें फांसी नहीं होती है। इस बात को उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है और दुख भी होता है। अब काला पानी की सजा में बटुकेश्वर दत्त के साथ अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। आज का दिन 15 अगस्त बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। लेकिन हम सभी योद्धाओं को, शूरवीरों को, शहीदों को याद करते हैं, लेकिन बटुकेश्वर दत्त की कहानी आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, क्योंकि हम ऐसे शहीदों को भूल जाते हैं। और कहीं ना कहीं हर बार, हर साल मैं कुछ ना कुछ नया आज के दिन आपके लिए, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, मैं लेकर के आता हूँ। तो मैंने सारे फैक्ट्स बता दिए हैं, मेरे ख्याल से अब कुछ बचा नहीं था। बटुकेश्वर की दत्त की कहानी मुझे आपको बतानी थी। एक्चुअली एक कहानी नहीं है, एक रियल स्टोरी है, एक योद्धा की कहानी है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जब बटुकेश्वर दत्त जेल में जाते हैं तो जेल में उनको टीबी की बीमारी घेर लेती है। इसके बावजूद वो जेल में दो बार भूख हड़ताल करते हैं। अब 1937 में बटुकेश्वर दत्त को बांकेपुर कारागृह में शिफ्ट किया जाता है। अब अगले साल यानी 1938 को इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद भी उनकी जद्दोजहद जारी रहती है और वो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर आज़ादी मिलने से 2 साल पहले यानी 1945 में वो फिर से छूट जाते हैं, जेल से रिहा हो जाते हैं। जब आगे जाके देश को आज़ादी मिलती है तो बटुकेश्वर दत्त ने शादी कर ली। अब दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद भारत में इन्हें सिगरेट की कंपनी में काम करना पड़ा। सिगरेट की कंपनी में इन्हें खास मुनाफा नहीं हो पाया, तो इन्होंने वो नौकरी छोड़ करके बिस्कुट का एक छोटा सा कारखाना खोला। उसमें भी इन्हें मुनाफा नहीं हो पाया, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो वो कारखाना भी इन्होंने बंद कर दिया। अब शर्मनाक बात तो यह है कि पटना में टूरिस्ट परमिट लेने से पहले पटना के DM ने इनसे कहा कि परमिट लेना है तो सबसे पहले आप फ्रीडम फाइटर होने का प्रमाण ला के दीजिए, यानी इनसे सर्टिफिकेट मांग लिया। इससे बड़ी बेइज्जती किसी योद्धा की क्या हो सकती है दोस्तों। इन्हें आगे और भी चीज़ें झेलनी थी, तो 1964 में ये गंभीर रूप से बीमार हो गए। अब इसी सिलसिले में इन्हें पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ये देख करके इनके मित्र चमन लाल ने एक लेख लिखा कि क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए, परमात्मा ने इन्हें महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी भूल की है। अब इनका ये लेख पढ़ते ही सत्ता के गलियारे में हड़कंप मच गया। फिर इन्हें दिल्ली लाया जाता है इलाज के लिए। दिल्ली जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि इन्हें कैंसर है। अब उस वक्त इस ट्रीटमेंट को करने की व्यवस्था सिर्फ दिल्ली की एम्स में थी, लेकिन वहाँ भी कमरा मिलने से देरी हो गई। अब ये सारी बातें सुनकर के पंजाब के मुख्यमंत्री पहुँचते हैं दिल्ली बटुकेश्वर दत्त के पास और उनसे पूछते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, कुछ मांग लीजिए। तो बटुकेश्वर दत्त फीकी मुस्कान के साथ बोलते हैं कि मेरी समाधि, क्योंकि उनको ये बात उस वक्त पता चल चुकी थी कि शायद उनका बचना बहुत मुश्किल हो चुका है और जिस हालात में उनको यहाँ लाया गया था वो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन और सिचुएशन थी। उन्होंने फीकी मुस्कान से ये कहा था कि मेरा जो अंतिम संस्कार है, मेरी जो अस्थियाँ हैं, उन्हें भगत सिंह, उनके मित्र भगत सिंह के बगल में रख दिया जाए। अब इनकी बिगड़ती हालत देख करके पंजाब से भगत सिंह की माँ भी इनसे मिलने आती हैं। बटुकेश्वर दत्त ने अपनी आखिरी दौर में कहा था कि मुझे ये नहीं पता था कि जिस दिल्ली में संसद में भगत सिंह के साथ मैंने बॉम्ब फोड़ा था, उसी दिल्ली में मेरा अंत इस तरीके से होगा। अब उसी साल बटुकेश्वर दत्त 17 जुलाई को कोमा में चले जाते हैं। 20 जुलाई 1965 को बटुकेश्वर दत्त इस दुनिया से विदा हो गए। अब इच्छा के अनुसार इनका दाह संस्कार वैसे ही हुआ जैसा इन्होंने कहा था। भगत सिंह के समाधि के जस्ट पास उनकी समाधि लगाई गई है। अब आप मुझे आज के दिन ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्या बटुकेश्वर दत्त के साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक हुआ? क्या उनकी मौत ऐसे होनी चाहिए थी, या उनको फांसी मिल गई होती तो ही बहुत अच्छा था? और 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपको लाते रहते हैं, फैक्चुअल वीडियोस हम आप तक लाते रहते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं ब्रिजेश सिंह की कहानी, किस तरीके से एक आम इंसान को हथियार उठाना पड़ा। और आपने कमेंट करके बताया था कि ब्रिजेश सिंह के बारे में आपको सुननी है कहानी, तो वो मैं कहानी आपको आगे ले आने वाला हूं। और आप प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट फैक्चुअल न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब मेगा फैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। खुशबू बन के महका करेंगे हम, लहलाती हर फसलों में सांस बन के हम गुनगुन।
टकराएंगे आने वाली हर नस्लों में। खुशबू बन के मैं